जो अक्षिता सोरेन है वो धरने पर बैठी है। बजट सत्र की शुरुआती समय में भी इन्होंने इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के सदन के बाहर कह सकते हैं कि धरने पर बैठी थी और आज एक बार फिर से वो मोर्चा खोलते हुए धरने पर बैठी। आइए जानते हैं कि क्या है इनकी। आराम से बिल्कुल ठीक से रखिए। अरे अपने ठीक से रखिए ना। आपने शुरुआती समय में भी इस मांग को लेकर के आवाज़ बुलंद किया था और अब कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला। लेकिन कोई नहीं सुनता है। वन विभाग का जमीन का है जो कि पूरे तरह से अतिक्रमण किया हुआ है और नीचे रखा हुआ ट्रांसपोर्ट की कंपनी ने दिए आर्मी द्वारा, वहाँ अभी भी ट्रांसपोर्ट का कार्य चालू है और हमको जवाब मिला था कि ट्रांसपोर्ट का काम बंद है, लेकिन जब हम निरीक्षण करने के लिए गए तो वहाँ चालू था। कई गाड़ियाँ मेरे नज़र के सामने से जा रही थी और सदन में इस तरह का क्वेश्चन गुमराह करने वाला जो जवाब आना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जनता देख रही है कि इस तरह से आए दिन मेरा ये एक ही सवाल है और इस पर हमको गुमराह किया जा रहा है, तरह तरह का जवाब दिया जा रहा है कि जवाब बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसमें से जो हमको समझ में आ रहा है सरकार के लोग, सरकार के मंत्री, जो विभाग के मंत्री हैं सब लिप्त है, विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनको भी बचाया जा रहा है, वन विभाग का पदाधिकारी सब इसमें सम्मिलित है, सबका साठगांठ है, जिसकी वजह से वहाँ पर अभी भी अतिक्रमण हुआ है। और आपकी सरकार है और इस तरह से सदन में जो जवाब मिलता है तो क्या लग रहा है जी, इसके पीछे क्या राज है? देखिए हमको ही नहीं मिल रहा इस तरह का जवाब, कई हमारे माननीय सदस्यगण को इस तरह का जन से समस्या से जूझना पड़ रहा है। अधिकारी इस तरह का जवाब दे रहे हैं सदन को गुमराह करने का, जो कि ये होना नहीं चाहिए। हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि सही चीज़ों को सामने लाया, वस्तु स्थिति जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होती है, उनको बचाया जाता है, तो विश्वास किन पर किया जाए? सरकार के लोग अब मिल गए हैं बाहरी लोगों के साथ, यहाँ की जमीन धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, कब्जा हो रही है, विस्थापित जो है कि विस्थापितों को जमीन दिया जा रहा है, वो लोग अभी भी विस्थापितों का लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी रक्षा कौन करे? आज सब कोई झारखंड में खतरे में है, सबकी अस्तित्व, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे गुरु जी बाबा अगुवाई, आज हम लोग उस पर खड़े नहीं उतर पाए, सरकार ही खड़े नहीं उतर। जिस उम्मीद के साथ जनता ने सरकार को बनाए कि यहाँ के जंगलों की रक्षा होगी, जमीनों की रक्षा होगी, आदिवासी मूलवासियों की रक्षा होगी, सबकी अस्तित्व आज खतरे में। चलिए जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।